अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फाइनली दिल्ली और इस वक्त खड़े हुए हैं असलम गेस्ट हाउस, जो पड़ता है गेट नंबर 1 चितली कवर से अंदर आकर के। तो ले रहे हैं रूम और अपने बैग्स वगैरह रखेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। तो शुरुआत हो चुकी है हमारी दिल्ली में। जी सर, तो सर कर रहे हैं रूम बुक। वेलकम टू असलम गेस्ट हाउस। और हमें दोस्तों इस टाइम दिल्ली में आए हुए हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ, और साथ में हमारे भाई शमीर जी, और ये हमारा रूम नंबर है 17, रूम नंबर 17 चलते हैं। चलिए, ये है रूम, असलम गेस्ट हाउस किया है और ये रूम है, साफ सुथरा रूम है, ठीक है। एक चौड़ा बेड है और एक दीवान टाइप है इस तरफ। तो इसका चार्ज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप जामा मस्जिद गेट नंबर 1 से अंदर आओगे चितली कवर को, तो अंदर आके थोड़ा सा गली में 2-3 टर्न लेके असलम गेस्ट हाउस है। लगभग ये 24 आवर्स चार्ज इसका है 1500 रुपए। तो हमने बुक किया है ये रूम 2 डेज के लिए फिलहाल अभी, तो उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। तो अभी हम होंगे फ्रेश और उसके बाद फ्रेश होके मिलते हैं आपसे। कल्लन स्वीट पर पहुंचे हैं और इस तरफ है जामा मस्जिद गेट नंबर 1। तो लेंगे यहाँ पर नाश्ता करेंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट जामा मस्जिद के निकट पूरी छोलों के साथ बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और गोला भाई अभी इंतजार में है। तो दोस्तों, रूम पर सामान रख के हम निकले हैं घूमने के लिए। कल्लन स्वीट पर आज का ब्रेकफास्ट हो रहा है पूरी छोलों के साथ। जावेद की आ गई है थाली पूरी छोले, करिए बिस्मिल्लाह। तो हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद, चलिए अब चलते हैं, एंटर करते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर के कुछ व्यू। तो गेट नंबर 1 से हम एंटर कर रहे हैं जामा मस्जिद, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मस्जिद अंदर से। दोस्तों, इसको कहते हैं कारागरी, आप देख सकते हैं बिना किसी ज्वाइंट के और बिना किसी शरीर वगैरह के, आप देख सकते हैं माशाल्लाह उस वक्त की कारागरी। कई सौ साल गुजर चुके हैं और अभी भी अपने आप में, ये जो वाइट आप बीच में देख रहे हैं ये संगमरमर होता है और बाकी ये सब राजस्थानी पत्थर है। इसमें जो लगा हुआ है ना लाल कलर का पत्थर, ये सब राजस्थानी है। देखिए छत है और माशाल्लाह। तो गोला भाई जो है इसकी खूबसूरती को निहारते हुए, जी कैसा फील हो रहा है? शानदार कारीगरी है, कारीगरी है उस दौर की, उस दौर की सही बात है। कारीगर नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। देखिए किस तरीके से उन्होंने स्तूप बनाए, बिल्कुल ये देखिए तरीके से ताक बनाए हैं, बिल्कुल देखिए। तो माशाल्लाह कितने लंबे चौड़े, और अभी भी हवा यहाँ पर जो है बहुत अच्छी आ रही है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि गर्मी नहीं लगेगी माशाल्लाह। ये सामने बाहर के भी सहन, और ये टोटल जो आप नीचे देख रहे हैं ये सब संगमरमर है। गर्मी में ये पत्थर जो है गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है, बिल्कुल। और वहाँ सामने जो आप वजू खाना देख रहे हैं उस तरफ, वहाँ पर भी संगमरमर है। तो भरी दोपहरी में इस लाल पत्थर पे तो पैर गर्म हो जाते हैं, मगर वहाँ जो पत्थर लगा हुआ है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। और ये है बाहर का मेन सहन, बहुत वसी और बहुत चौड़ा जो है ये, लगभग 20,000 लोगों की कैपेसिटी है इस मस्जिद में, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। तो गोला भाई मेहराब से बाहर की तरफ आते हुए, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुकूनदायक जो है यहाँ का माहौल, बहुत ही पीसफुल। तो दोस्तों, ये है वो सहन। इस वक्त जो है गोला भाई यहाँ पर जो है थोड़ा हाथ वगैरह जो है पानी के साथ थोड़ा इंजॉय करते हुए खेलते हुए यहाँ पर, ये हौज है जहाँ पर जो है वजू की जाती है। और इस पत्थर की बात कर रहा था मैं इस पत्थर की बात कर रहा था जहाँ पर आप बैठे ना, ये संगमरमर है। तो जब धूप तब जी साफ नहीं है, हाँ पानी थोड़ा सा ठहरा हुआ है, चल नहीं रहा पानी, हाँ। तो ये वजू खाना है जिसको हौज बोलते हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद, और वो गेट नंबर 2, ये गेट नंबर 3, और ये गेट नंबर 1 है जो गोला भाई के पीछे है, यहाँ से हमने एंट्री की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है हौज का वो हिस्सा जहाँ पर लोग वजू करते हैं। अभी भी नमाज में लगभग जो है 1 घंटा बाकी है,
12 बज चुके हैं, 1 बजे नमाज है। तो आप देख सकते हैं चूंकि आज सैटरडे है और कल है संडे, तो क्राउड जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रहता है जामा मस्जिद पे, कल और भी ज़्यादा रहेगा चूंकि संडे है। बच्चे हमारे जो है एंजॉय करते हुए तौकीद तौहीद और अयान ले रहे हैं एंजॉय जामा मस्जिद के अंदर, यहाँ की नक्काशी, यहाँ के स्ट्रक्चर और यहाँ के माहौल को ऑब्जर्व करते हुए ये तमाम बच्चे। तो गोला भाई यहाँ के जो है खूबसूरत नज़ारे करते हुए, और इस वक्त आ गए हम बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये था छोटा सा हमारा ब्लॉग जामा मस्जिद से, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। तो उतरते हुए के पूरे